हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सम समाय की घटना चक्र वार्षिक अंक को देख रहे हैं 2019 वाली को। तो आपको बता दें अभी तक हम लोग क्या खत्म कर चुके हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर चुके हैं और विधिक परिदृश्य खत्म कर चुके हैं। ठीक है, दो चैप्टर हम लोग दो टॉपिक पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। तो आपका तो आपको बता दें ये दोनों टॉपिक आपको सम समाय की घटना चक्र 2019 प्ले लिस्ट में सूची बनी हुई है, उसी में पड़े हुए जाके वहां देख सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें बात करने वाले हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ए पार्ट को, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, अंतरराष्ट्रीय संबंध देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत थाईलैंड आसियान संबंधी विभिन्न सम्मेलनों में हिस्सा लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 नवंबर 2019 के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर रहे। 2 नवंबर से 2 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक में स्वास्थ्य पीएम मोदी सामूहिक कार्यक्रम को संबोधित किया। याद रखिए स्वास्थ्य पीएम मोदी थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, थाईलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया। 3 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्यू चान ओचा के मध्य हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने बैंकॉक एवं गुवाहाटी के मध्य सीधी उड़ान शुरू होने का स्वागत किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विख्यात कवि तमिल कवि थिरुवल्लुवर के तमिल ग्रंथ तिरुकुरल के थाई अनुवाद का विमोचन भी किया है। साथ ही उन्होंने गुरु नानक देव की 550वें विकास वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का भी जारी किया। 3 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड में आदित्य बिड़ला के समूह के संचालन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। फिर है भारत जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक भारत की यात्रा पर रही। जर्मनी की चांसलर इस यात्रा का उद्देश्य 5वें द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श में भाग लेना था। सभ्यता यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित प्रमुख समझौते स्वीकार हैं। 2020 से 2024 की अवधि के लिए परामर्श पर आशय की संयुक्त घोषणा, सामरिक परियोजनाओं के पर सहयोग के संबंध में आशय की संयुक्त घोषणा, ग्रीन शहरी गतिशीलता के लिए भारत जर्मन भागीदारी पर आशय की संयुक्त घोषणा, किंतिम आसूचना पर अनुसंधान और विकास में संयुक्त सहयोग के लिए आशय की संयुक्त सूचना और समुद्री कचरे की रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में आशय की संयुक्त घोषणा। ठीक है, फिर भारत सऊदी अरब। तो भारत सऊदी अरब 28 से 29 अक्टूबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर रहे। पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा दूसरी यात्रा है। इसके उन्होंने पूर्व उन्होंने अप्रैल 2016 में इस देश की यात्रा की थी। ठीक है, याद रखिए। फिर है यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2019 को रियाद में आयोजित तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम सत्र में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य ऊर्जा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा सहयोग, रक्षा रुपे कार्ड के लॉन्च और चिकित्सीय उत्पादों के विनिमय जैसे क्षेत्रों में कुल 12 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। 12 समझौतों में रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर भी सहमत समझौता हुआ। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के बाद, याद रखना। उल्लेखनीय है कि अपने विजन 2030 के अंतर्गत सऊदी अरब की रणनीतिक साझेदारी विकसित करने हेतु 8 देशों का चयन किया। ये देश हैं भारत, चीन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान। ठीक है, उल्लेखनीय है भारत की सऊदी अरब की सेनाओं के मध्य प्रथम नौसेना अभ्यास 2020 में आयोजित किया जाएगा, याद रखना। ठीक, फिर है भारत फिलीपींस।
17 से 21 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलीपींस की राजकीय यात्रा पर रहे। 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की फिलीपींस की यह पहली यात्रा है। तो याद रखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में यात्रा की थी यहाँ की, फिलीपींस की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में भारत एवं फिलीपींस के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हुए। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने भारत फिलीपींस बिजनेस कॉन्क्लेव तथा चौथे आसियान भारत बिजनेस शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया है। 20 अक्टूबर 2019 के को भारतीय राष्ट्रपति ने क्यूजॉन सिटी स्थित मैरियम कॉलेज के सेंटर फॉर पीस एजुकेशन में महात्मा गांधी की अवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया है। अब बात करते हैं भारत चीन के बारे में। 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2019 के मध्य नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन चेन्नई के निकट स्थित एक तटीय नगर मामल्लपुरम में संपन्न हुआ है। याद रखना, द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन है। उल्लेखनीय है कि मामल्लपुरम में को महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। यहाँ स्थित स्मारकों के समूह को 1984 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है, भारत चीन के मध्य प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन 27 से 28 अप्रैल 2018 के दौरान वुहान चीन में आयोजित हुआ था। ठीक है, दूसरा महाबलीपुरम मामल्लपुरम में हुआ है। फिर है भारत जापान। जापान के नए सम्राट नारुहितो के राज्य अभिषेक समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 से 23 अक्टूबर 2019 के मध्य जापान की यात्रा पर रहे। 59 वर्षीय नारुहितो जापान के 126वें सम्राट हैं। याद रखना, नारुहितो जापान के 126वें सम्राट हैं। उल्लेखनीय है कि 29 वर्षों के अंतराल में किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा जापान यात्रा है। इससे पूर्व 1990 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने सम्राट आकिहितो के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए जापान की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने 21 अक्टूबर 2019 को टोक्यो स्थित सुकीजी होंगवानजी बौद्ध मंदिर का दौरा किया और वहाँ बौद्ध गया से लाए गए एक पौधे को रोपित किया। फिर बात करते हैं भारत अमेरिका। 21 से 27 सितंबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे। 22 सितंबर 2019 को टेक्सास इंडिया फॉर्म द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ह्यूस्टन टेक्सास स्थित एनआरजी स्टेडियम में हाउडी मोदी शेयर्ड ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर्स शीर्षक के साथ एक समुदाय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अमेरिका में रह रहे 50,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद रहे। 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में गांधी सोलर पार्क तथा गांधी पीस गार्डन का उद्घाटन किया है। गांधी सोलर पार्क परियोजना के तहत भारत द्वारा प्रदत्त $1 मिलियन की आर्थिक सहायता से न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की छत पर सौर पैनल स्थापित किए गए। कुल 193 सौर पैनलों की स्थापना की गई, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों की कुल संख्या भी है। ये सौर पैनल अधिकतम 50 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम है। गांधी पीस गार्डन एक नवोन्मेषी पहल है, जिसके तहत स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की परिसर में 150 पेड़ लगाए गए। 24 सितंबर 2019 को ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री, याद रखिए, प्रधानमंत्री को ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड किसने दिया? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु प्रदान किए गए। महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं जयंती
वर्षगांठ के स्मरण में 24 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय स्थित आर्थिक एवं सामाजिक परिषद चैम्बर में प्रधानमंत्री मोदी ने लीडरशिप मैटर्स रिलेवेंस ऑफ महात्मा गांधी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड शीर्षक के उच्च स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी की। अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित किया है। याद रखिए जो अभी तक नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिले हैं उनका हमने एक लेक्चर बनाया हुआ था, ठीक है, वो शायद वीडियो फॉर ISPCS स्पेशल वीडियो फॉर ISPCS में डला होगा प्लेलिस्ट सूची में, ठीक है। फिर है भारत रूस यात्रा। भारत रूस 4 से 5 सितंबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की राजकीय यात्रा पर। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य व्लादिवोस्तोक में 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने व्लादिवोस्तोक में आयोजित 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है। उल्लेखनीय है कि रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहयोग करने तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विस्तार हेतु रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा वर्ष 2015 में इस फोरम की स्थापना की गई थी। उल्लेखनीय है कि श्री मोदी रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र व्लादिवोस्तोक की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य रक्षा वायु तथा संपर्क समुद्री संपर्क ऊर्जा प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम व्यापार क्षेत्रों में कुल 15 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के चेन्नई बंदरगाह तथा रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के मध्य समुद्री संचार के विकास पर सहमति प्राप्त हुई है। 2019 से 2022 की अवधि में सीमा शुल्क उल्लंघन से निपटने हेतु सहयोग की योजना है। रूस के सुदूर पूर्व में कोयला खनन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन है। फिर है भारत बहरीन। 24 से 25 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहरीन की राजकीय यात्रा पर है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की बहरीन की पहली यात्रा है। याद रखिए किसी भारतीय प्रधानमंत्री की बहरीन की पहली यात्रा थी ये, ठीक है। बहरीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उनके प्रयासों हेतु बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन ऑर्डर ऑफ फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। किसे? बहरीन ऑर्डर फर्स्ट क्लास से, ठीक है, ये बहरीन का, ठीक है यार। बहरीन की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में द्वारा 5 अप्रैल को अंतःकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किए जाने के निर्णय का प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया है। फिर बहरीन में प्रधानमंत्री मोदी ने मनामा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य शुभारंभ किया है। यद्यप है कि 19वीं शताब्दी में स्थापित यह मंदिर खाड़ी क्षेत्र का पहला एवं सबसे पुराना मंदिर है। यात्रा के दौरान बहरीन में रुपे कार्ड लॉन्च हेतु बहरीन के इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और भारत के NPCI के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। फिर बात करते हैं भारत संयुक्त अरब अमीरात। 23 से 24 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजकीय यात्रा पर रहे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने UAE में रुपे कार्ड को लॉन्च किया। यह प्रथम अवसर है जब रुपे कार्ड मध्य पूर्व के किसी देश में लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी UAE में के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, याद रखिए ऑर्डर ऑफ जायद कहाँ का है, UAE का, से सम्मानित हुए मोदी जी। लगभग $60 बिलियन के वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के साथ UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। बात करते हैं भारत फ्रांस। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजकीय यात्रा पर रहे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 से 23 अगस्त 2019 को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 25 से 26 अगस्त 2019 को ब्यारेतिज फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने भाग लिया है। याद रखिए फ्रांस में आयोजित की गई थी G20 हुई है अपनी जापान में, ठीक है, और ये हुई फ्रांस में G7 बियारित्ज फ्रांस में, ठीक। 23 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने पेरिस यूनेस्को मुख्यालय में भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। 23 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने फ्रांस में मांट वेलोक पर्वत की पादगिरी में हुई एयर इंडिया की 2 विमान दुर्घटनाओं को के शिकार भारतीय लोगों के सम्मान में एक स्मारक उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि 1950 एवं 66 फ्रांस में हुई इन विमान दुर्घटनाओं में भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम के जनक होमी जे भाभा सहित कई भारतीय मारे गए थे। याद रखिए यह हमारा फ्रांस, ठीक है। फिर है भारत भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग के निमंत्रण पर 17 से 18 अगस्त 2019 के मध्य भूटान की राजकीय यात्रा पर है। मध्य मई 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली द्विपक्षीय भूटान यात्रा थी। यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हाल में ही निर्मित 720 मेगावाट क्षमता के मांगदेछु पनबिजली संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन किया है। याद रखिए मांगदेछु पनबिजली संयंत्र भारत भूटान के बीच है, ठीक है, पूछ लेता है कई बार। मांगदेछु नदी पर टोंगसा में स्थित है भूटान में। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भूटान में औपचारिक रूप से भारतीय रुपे कार्ड की शुरुआत की है, जिससे भूटान वाले भारतीय पर्यटकों को ज्यादा नकदी ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के समर्थन से निर्मित थिम्पू में स्थित दक्षिण एशियाई उपग्रह के ग्राउंड अर्थ स्टेशन का उद्घाटन भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया। फिर है भारत मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 9 जून 2019 के मध्य मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचन के बाद श्री नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा थी। साथ ही पूछा जा सकता है कि दूसरी बार नियुक्त प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले किस देश की यात्रा की थी नरेंद्र मोदी ने, तो याद रखिए मालदीव की। साथ ही वर्ष 2011 के बाद यह प्रथम अवसर है जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने मालदीव की द्विपक्षीय दौरा संपन्न किया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 17वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु मालदीव की यात्रा पर गए थे। इसके बाद मालदीव के नेताओं के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की थी। यात्रा के दौरान 8 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की संसद पीपुल्स मजलिस के एक सत्र को संबोधित किया है। पीपुल्स मजलिस के 86 वर्ष के इतिहास में श्री मोदी ऐसे दूसरे राष्ट्राध्यक्ष शासन अध्यक्ष हैं जिन्होंने इसके सत्र को संबोधित किया। इसके पहले भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 में पीपुल्स मजलिस को संबोधित किया था, ठीक है, याद रखना। पहले मनमोहन सिंह थे दूसरे प्रधानमंत्री। 8 जून को मालदीव की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द मोस्ट ऑनरेबल ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान युद्दीन से सम्मानित किया है। यह मालदीव द्वारा विदेशी उच्च अधिकारियों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के मध्य 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। बात करते हैं भारत चिली। 30 मार्च से 2 अप्रैल 2019 के मध्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चिली की यात्रा पर रहे। भारत और चिली ने खनन संस्कृति और विकलांगता के क्षेत्र में 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने हेतु चिली ने वैध अमेरिकी वीजा धारक भारतीय हेतु वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। वर्ष 2019 में भारत और चिली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हुए। फिर बात करते हैं भारत बोलिविया। 28 से 30 मार्च 2019 के मध्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया की यात्रा पर रहे। भारत और बोलिविया के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से भारत और बोलिविया के मध्य अब तक का पहला उच्च स्तरीय दौरा है। इस दौरान बोलिविया के तत्कालीन राष्ट्रपति इवो
मोरालेस ने राष्ट्रपति कोविंद को बोलीविया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कोंडोर डी लॉस एंडीज एंड एल गादो डी ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया है। इस यात्रा के दौरान भारत एवं बोलीविया के मध्य 8 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सांस्कृतिक क्षेत्र, राजनयिकों के लिए वीजा में छूट, राजनयिक अकादमियों के मध्य आदान प्रदान, खनन, अंतरिक्ष, पारंपरिक चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और सामूहिक समुद्री रेलवे परियोजना शामिल है। 29 मार्च 2019 को बोलीविया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पेम्बर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। फिर भारत को एशिया 25 से 28 मार्च के मध्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूरोप देश के क्रोएशिया की यात्रा पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रोएशिया की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्राध्यक्ष। क्रोएशिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत क्रोएशिया संबंध अग्रिम पथ की ओर विषय पर जगरेब विश्वविद्यालय में संबोधन किया। 28 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टॉमी स्लाव प्रदान किया गया है, याद रखिए। फिर भारत दक्षिण कोरिया। भारत दक्षिण कोरिया 21 से 22 फरवरी 2019 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया की राजकीय यात्रा पर रहे। प्रधानमंत्री के रूप में दक्षिण कोरिया की है उनकी दूसरी यात्रा है, पहली वर्ष 2015। भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान 6 सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14वें सियोल शांति पुरस्कार 2018 से भी सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल शांति पुरस्कार के तहत मिली लगभग 1,30,00,000 रुपये की धनराशि को गंगा सफाई हेतु नमामि गंगे कोष में दान करने की घोषणा की है। फिर है भारत ऑस्ट्रेलिया 21 से 24 नवंबर 2018 के मध्य भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहे। गौरतलब है कि यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष को अगले 4 वर्षों तक $10 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है। इस यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अब बात करते हैं भारत वियतनाम। 28 से 20 नवंबर 2018 के मध्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वियतनाम की यात्रा पर रहे। यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार $12.8 बिलियन है, जिसको वर्ष 2020 तक बढ़ाकर $15 बिलियन करने की सहमति हुई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 1 नवंबर 2018 से 20 नवंबर 2019 के मध्य संपन्न हुई यात्राएं। तो कौन कौन आवक रहे, पहले आवक देखते हैं फिर जावक देखेंगे, ठीक है। तो भूटान के विदेश मंत्री डॉक्टर टांडी दोर्जी की भारत यात्रा, ये रहे हैं 17 से 23 नवंबर 2019 के मध्य। फ्रेंड्स ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, ये रहे हैं 13 से 16 नवंबर 2019 के बाद। फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हविस्टो की भारत यात्रा, ये रहे हैं 4 से 7 नवंबर 2019 के बीच। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की भारत यात्रा 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 के बीच। फिर निकारागुआ के विदेश मंत्री डेनिस डोनाल्डो कोलिंडेस की भारत यात्रा 27 से 29 अक्टूबर तक। नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा की भारत यात्रा 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2019 के तक रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा 11 से 12 अक्टूबर 2019 के बीच। थाईलैंड के विदेश मंत्री डॉन प्रमोद विनेई की भारत यात्रा 9 से 11 अक्टूबर तक रहे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा 3 से 6 अक्टूबर 2019 के बीच रही। मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्त मगीड वटोल्गा की भारत यात्रा 19 से 23 सितंबर 2019 के मध्य रहे। जाम्बिया के राष्ट्रपति एगडर चगवा तुंगू की भारत यात्रा 20 से 22 अगस्त 2019 के मध्य रहे। फिर संयुक्त
अरब अमीरात के विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहान की भारत यात्रा, ये 7 से 9 जुलाई 2019 के अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य सचिव माइकल आर पोम्पियो की भारत यात्रा, ये 25 से 27 जून 2019 के मध्य है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ की भारत यात्रा, ये रहे हैं 13 से 14 मई को आए। घना के उपराष्ट्रपति महामुदु बाबू मिया की यात्रा, तो 16 से 20 मार्च 2019 के बीच। गिनी के प्रधानमंत्री इब्राहिमा किसोरी फोफाना की भारत यात्रा, 16 से 25 मार्च 2019 के मध्य। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अरेल बिन अहमद अल जुबेर की भारत यात्रा, तो ये रहे हैं 11 मार्च। गाम्बिया के विदेश मंत्री मामार्दो तंगारा की भारत यात्रा, 7 से 12 मार्च के बीच रहे। केन्या के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कैबिनेट सचिव मोनिका के जुम्मा की भारत यात्रा, ये 4 से 6 मार्च 2019 के बीच रही। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की भारत यात्रा, 19 से 20 फरवरी 2019 के बीच रही। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्रो की भारत यात्रा, 17 से 19 फरवरी तक। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन की भारत यात्रा, 6 से 9 फरवरी 2019। मोनाको रियासत के राष्ट्राध्यक्ष प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय की भारत यात्रा, 4 से 5 फरवरी के बीच। अल्जीरिया के विदेश मंत्री अब्देल कदीर मेसाहेल की भारत यात्रा, 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच। किर्गिस्तान के विदेश मंत्री एडर बेकोप चिंगीज आजमा तोविच की भारत यात्रा, 27 से 31 जनवरी तक। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की भारत यात्रा, 25 से 26 जनवरी तक। ठीक है, कौन? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की भारत यात्रा, तो याद रखिए 20 से 28 जनवरी। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली की भारत यात्रा, 10 से 11 जनवरी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग की भारत यात्रा, 7 से 9 जनवरी। जापान के विदेश मंत्री तारो फोनो की भारत यात्रा, 7 से 9 जनवरी। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिज मायनी की भारत यात्रा, 7 से 9 जनवरी। मंगोलिया के विदेश मंत्री दामदीन सोजतवार की भारत यात्रा, 7 से 11 जनवरी। स्पेन के विदेश मंत्री जोसेफ बोरेल फ्रॉन्टलेंस की भारत यात्रा, 7 से 10 जनवरी। भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग की भारत यात्रा, 27 से 29 दिसंबर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा, 21 से 24 दिसंबर। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री कांग क्यूंग व्या की भारत यात्रा, 28 से 29 दिसंबर। डेनमार्क के विदेश मंत्री एंड्रस सेम्यू एलसन की भारत यात्रा, 17 से 18। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिफ की भारत यात्रा, 16 से 18 दिसंबर 2018। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ले डियन की भारत यात्रा, 14 से 15 दिसंबर 2018। आइसलैंड के विदेश मंत्री गुड़लुगुर थोर्डसन की भारत यात्रा, 7 से 14 दिसंबर। फिर है मोजाम्बिक के विदेश मंत्री एवं सहयोगी मंत्री जॉस कोंडगुआ एंटोनियो पचेको की भारत यात्रा, 28 से 2 दिसंबर के बीच 2018 में। गेवन के मंत्री विदेश मंत्री एमोन गोल्ट जीन यूडेस रेजिस की भारत यात्रा, ये रहे 28 से 30 नवंबर 2018। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद की भारत यात्रा, 24 से 27 नवंबर 2018। रोमानिया के विदेश मंत्री थियोडोर मेलेस केनू की भारत यात्रा, 24 से 27 नवंबर 2018। दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सुक की भारत यात्रा, 4 से 7 नवंबर। अब जावा की यात्राएं देखते हैं, भारत की तरफ से कहां कहां की यात्रा की गई, किस किस की। तो प्रधानमंत्री जी की देखते हैं, प्रधानमंत्री जी की ब्राजील यात्रा, तो याद रखना ये रहे हैं 13 से 14 नवंबर 2019 के मध्य।
विदेश मंत्री की पेरिस यात्रा, तो याद रखिए 11 से 12 नवंबर। विदेश मंत्री की नीदरलैंड यात्रा 9 से 11 2019 के वक्त। विदेश मंत्री की सर्बिया यात्रा 7 से 9 नवंबर 2019। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा 2 से 14 नवंबर 2019। प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा 28 से 29 अक्टूबर के बीच 2019। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की अजरबैजान यात्रा, ठीक है, 24 से 26 अक्टूबर 2019 के। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की फिलीपींस और जापान यात्रा 17 से 23 अक्टूबर 2019 के बीच। उपराष्ट्रपति की कोमोरोस और सेरा लियोन यात्रा 10 से 14 अक्टूबर 2019 के बीच। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा 21 से 27 सितंबर 2019 के बीच। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की फिनलैंड यात्रा, ये रहे 19 से 21 सितंबर 2019 के बीच। राष्ट्रपति की आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया यात्रा 9 से 17 सितंबर। प्रधानमंत्री की व्लादिवोस्तोक रूस यात्रा 4 से 6 सितंबर 2019 के बीच। विदेश मंत्री की मालदीव यात्रा 3 से 4 सितंबर 2019 के बाद। विदेश मंत्री की इंडोनेशिया और सिंगापुर यात्रा 4 से 10 सितंबर 2019 के बीच। विदेश मंत्री की मॉस्को यात्रा 27 से 28 अगस्त 2019 के बीच। प्रधानमंत्री की फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन यात्रा 20 से 26 अगस्त 2019 के बीच। विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा 21 से 22 अगस्त 2019 के बीच। विदेश मंत्री की बांग्लादेश यात्रा 19 से 21 अगस्त 2019 के बीच। प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा 17 से 18 अगस्त। उपराष्ट्रपति लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया की यात्रा 17 से 22 अगस्त। विदेश मंत्री की चीन यात्रा 11 से 13 अगस्त। विदेश मंत्री की थाईलैंड बैंकॉक यात्रा 1 से 2 अगस्त। राष्ट्रपति की बेनिन, गाम्बिया, गिनी की यात्रा 27 से 3 अगस्त। राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए विदेश मंत्री की लंदन यात्रा 9 से 11 जुलाई। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा 27 से 29 जून। 5वीं सीसा शिखर बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री की दुशांबे यात्रा 14 से 15 जून। SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा, तो याद रखिए 13 से 14 जून। मालदीव की प्रधानमंत्री की मालदीव और श्रीलंका यात्रा 8 से 9 जून। विदेश मंत्री की भूटान यात्रा 7 से 8 जून। उपराष्ट्रपति की वियतनाम यात्रा 9 से 12 मई। राष्ट्रपति की क्रोएशिया, बोलीविया, चिली की राजकीय यात्रा 25 मार्च से 2 अप्रैल। उपराष्ट्रपति की पराग्वे, कोस्टा रिका की यात्रा 5 से 9 मार्च। प्रधानमंत्री की दक्षिण कोरिया यात्रा 21 से 22 फरवरी 2019 के बाद। राष्ट्रपति की म्यांमार यात्रा 10 से 14 दिसंबर 2018। प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना यात्रा 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 के मध्य। राष्ट्रपति की वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया यात्रा 18 से 24 नवंबर 2018। प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा 17 नवंबर 2018। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा 14 से 15 नवंबर 2018। उपराष्ट्रपति की फ्रांस यात्रा 9 से 11 नवंबर 2018। उपराष्ट्रपति की बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मलावी यात्रा 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2018। ठीक है, तो ये थे हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ये परिदृश्य जो ये पार्ट लिया था हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अब बी में देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विकरण। ठीक है, जो बी पार्ट होगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय विकरण की बात करेंगे हम लोग। ठीक है,